नॉलेज मैनेजमेंट की एवेलशन करते हुए एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड यूज़ होता है जिसको बेंच मार्किंग मैथड कहते हैं और ये देखते हैं ये क्या मैथड है ये क्या टेक्निक है बेंच मार्किंग में होता ही है कि इट इज़ अ सर्च फॉर इंडस्ट्री वाइड बेस्ट प्रैक्टिस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आप इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस को देखते हैं इट यूजली कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ सिमिलर कंपनीज टू सी हाउ थिंग्स आर डन बेस्ट इन ऑर्डर टू अडेप्ट दीज मैथड्स फॉर देर ओन यूज़ कि आप इंडस्ट्री में देखते हैं कि कोई दूसरा किसी काम को आ, किस अच्छे तरीके से कर रहा है और मकसद ये होता है कि आप उसको अपनी कंपनी में उस आइडिया को लेकर आएँ और अपनी कंपनी में उस बेस्ट प्रैक्टिस को अडेप्ट करें उसके अंदर चेंजेस करें और अपनी कंपनी को या अपने काम को अपने फंक्शंस को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें यहाँ पे एक हिंदू प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया गया है कि नो द बेस्ट और टू बिकम द बेस्ट कि अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो इससे पहले आप बेस्ट को देखिए उसके बारे में मालूम हासिल कीजिए उसके बाद आप अपने आप को बेस्ट बनाने के काबिल हो सकेंगे और ये जो बेंच मार्किंग का मेथड है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपेटेटिव इंटेलिजेंस कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वहाँ से आप नॉलेज लेके आते हैं और वो नॉलेज आप अपनी इंडस्ट्री में अपने अपनी कंपनी में इस्तेमाल करते हैं देर आर जनरल टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग देर आर टू टाइप्स एक है इंटरनल बेंच मार्किंग और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरनल में क्या होता है विच इन्वॉल्व कंपेरिजन अगेंस्ट अदर यूनिट्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन तो एक सूरत यह है कि ऑर्गेनाइजेशन आप ही की है उसके दूसरे यूनिट्स के साथ अपने काम को कंपेयर कीजिए और दूसरा तरीका है और अ कंपैरिजन ऑफ अ सिंगल यूनिट ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स कि आप अपने ही सिंगल यूनिट का जो उसकी जो कारदगी है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको माजी में किसी परफॉर्मेंस मैर जो है उसके साथ कंपेयर करें या डिफरेंट टाइमिंग पे आप एक सर्वे करें एक जायज़ा लें और उसके साथ कंपेयर करें इसे हम चूँकि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो इसे हम इंटरनल बेंच मार्किंग कहेंगे एक्सटर्नल में क्या होता है विज इनवॉल्व्स कंपेरिजन विद अदर कंपनीज कि दूसरी कंपनीज में जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके साथ हम अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस का कंपेरिजन करते हैं एक दूसरे ऑथर ने बेंच मार्किंग की चार अकसाम बताई हैं ये अकसाम हैं इंडस्ट्री ग्रुप मेजरमेंट्स बेस्ट प्रैक्टिस स्टडीज़ कोऑपरेटिव बेंच मार्किंग और चौथी है कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग तो इन्हें हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले है इंडस्ट्री ग्रुप मेजरमेंट्स द मेजरमेंट ऑफ वेरियस फेसट्स ऑफ योर ऑपरेशन एंड कंपेयरिंग दीज टू सिमिलर मेजरमेंट्स कि आप अपने ऑपरेशन के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं ये फेसड का मतलब यहाँ आस्पेक्ट होता है उसके जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स या उर्दू में हम कहते हैं पहलू उनकी मेजरमेंट करते हैं और उसी जैसी कोई और मेजरमेंट्स आपको अपने इदारे के अंदर से या कहीं बाहर से मिलें उनके साथ कंपेयर करते हैं अब यहाँ कंपैरिजन का मकसद ज़रूरी नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप सिर्फ ये देखना चाहते होते हैं बाजुकात कि कोई दूसरा काम किस तरीके से हो रहा है ऑफ़न द मेयर्स हैव लिटल टू डू विद प्रोडक्टिविटी कस्टमर सेटिसफेक्शन और बेस्ट प्रैक्टिस मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का बायस बने या वो बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर वो मेजरमेंट सामने आए अब दूसरी जो इसमें टेक्निक है दूसरा जो इसका मेथड है वो है बेस्ट प्रैक्टिस स्टडीज कि बेस्ट प्रैक्टिस को देखा जाए द स्टडीज़ एंड लिस्ट ऑफ वॉट वर्क बेस्ट कि इंडस्ट्री में बेस्ट क्या हो रहा है दीज आर यूजफुल टू बेंच मार्किंग रिसर्च बट दे आर नॉट यूजफुल एज मैट्रिक्स कि बेंच मार्किंग की जो रिसर्च है उसमें तो ये डाटा काम आता है ये मालूम काम आती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस मैट्रिक्स के तौर पर काम आए यानी किसी भी काम की मेजरमेंट के लिए या असेसमेंट के लिए इस्तेमाल हो ये ज़रूरी नहीं है वाट वर्कस बेस्ट फॉर एन एंटिटी इन इट्स स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मे नाट वर्क द सेम वे इन एनअदर इन्वायरमेंट कि अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल कहीं से ले भी लें किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से तो ज़रूरी नहीं है कि वही मैथड आपके यहाँ भी उतने ही फ़वाद दे और उसी तरह से वो सक्सेसफुल हो जैसे वहाँ हो रहा है दी स्टडीज़ कैन बी यूजफुल स्टिम्यूलेटर्स बट दे आर नॉट बेंच मार्क्स पर से वो स्टिमुलेटर्स तो हो सकते हैं कि जिससे मदद लेके जिससे इंस्पायर uh, हो के आप अपने काम को बढ़ा सकें लेकिन वो बेंच uh, मार्क्स उस तरह से नहीं हैं कि वो मैयमेंट का काम कर सकें एज सच वो बेंच मार्क नहीं है अब जो तीसरा तरीका है वो है कॉपरेटिव बेंच इसमें कॉपरेटिव के लफ्ज पर गौर करें द मेजरमेंट ऑफ की प्रोडक्शन फंक्शंस ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स एंड आउटकम्स विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग दैम अब इसमें बाकायदा काम किया जाता है बेंच का और इसमें कॉपरेटिव का क्या है कॉपरेटिव बेंच मार्किंग इज डन विद द असिस्टेंस ऑफ द एंटिटी बीइंग स्टडीज कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हैं उनका ताबन हासिल होता है उनके कॉपरेशन से आप ये काम करते हैं और वो आपके पार्टनर बन के तो बेंच मार्क स्टडी करते हैं द एंटिटी चूजन एज अ बेंच मार्क इज़ वन दैट हैज़ बेस्ट प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट और हैज़ वन अ मेजर नेशनल और इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड अगर किसी की प्रोडक्ट या सर्विस ने कोई अवार्ड लिया है या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है और आप समझते हैं कि वो बेस्ट प्रैक्टिस है तो इस सूरत में आप उस दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट करके उसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कॉपरेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है और कॉपरेशन के मुकाबले में इसकी जो चौथी टाइप है वो है कम्पटिटव इसमें क्या होता है द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ अ कम्पटेटर विदाउट देर कॉपरेशन फॉर द परपज़ज और प्रोसेस ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आपका पर्पज़ है आप बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल को स्टडी करना चाहते हैं लेकिन वो आपका कॉम्पिटिटर होता है मार्केट में आपका वो साथी या कलीग नहीं होता वो कॉम्पिटिटर होता है अब कॉम्पिटिटर से कोऑपरेशन नहीं मिलता नॉर्मली द लेटर इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग कि आप जब किसी प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसको देख के आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके तो उस जैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे अ वर्जन ऑफ कम्पिटिटिव बेंच मार्किंग इज़ अ कमीशन ग्रांटेड अ थर्ड पार्टी टू स्टडी अ ग्रुप ऑफ कम्पिटीटर्स एंड शेयर द रिज़ल्ट विद ऑल कि आप किसी थर्ड पार्टी को कुछ फंड दें उसको कुछ कमीशन ग्रांट करें तो वो डिफरेंट uh, इंडस्ट्री में जो डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन हैं उनको स्टडी करें और उसके बाद उसके रिज़ल्ट हैं वो शेयर करें तो इस मॉडल में कॉपरेशन नहीं होती इसमें कॉम्पिटेटर्स होते हैं और कम्पिटिटर्स जो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल एक दूसरे के साथ बरह रास्त शेयर नहीं करते उसको कोई थर्ड पार्टी जो है वो असेस करके तो सबके साथ उसको शेयर कर सकती है